स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसका सिंबल क्या है? ये है इसका सिंबल, पहले मैं वो बता देती हूँ। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है क्या? तो क्या होता है कि जैसे सी की तरह सी प्लस प्लस में भी ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ब्लॉक स्ट्रक्चर मतलब कौन से फंक्शन का कितना स्कोप है, कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, कौन सा वेरिएबल, वही सब चीज में आता है ब्लॉक एंड स्कोप्स। सो दैट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम। ब्लॉक एंड स्कोप क्या आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सो हम लोग को ये पता है कि सेम वेरिएबल नेम कैन बी यूज्ड टू हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट ब्लॉक। तो इसका मतलब ये है कि आप इंट एक्स अगर आपने डिक्लेयर किया है तो उस वही सेम इंट एक्स को आप दूसरे फंक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल नेम मल्टीपल प्लेस में थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज हो सकता है। तो द स्कोप ऑफ द वेरिएबल एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक कंटेनिंग द डिक्लेरेशन। तो मान लीजिए मैंने इंट वाई एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो वही वाई वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन टिल द एंड ऑफ द फंक्शन, नॉट थ्रू आउट द फंक्शन। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक इज सेड टू बी लोकल टू द ब्लॉक। ठीक है, तो एक वेरिएबल अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो उसी फंक्शन के लिए वो वेरिएबल लोकल होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन मैंने लिखा है इंट एक्स और कुछ स्टेटमेंट है और ये एंड हुआ है। फिर से कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट वाई इज इक्वल टू वन, फिर से कुछ स्टेटमेंट है एंड। तो ये जो एक्स है इसका स्कोप क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है एक्स का, स्कोप ऑफ एक्स। और वाई का स्कोप क्या है? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से एंड हुआ है यहाँ पे, तो ये होगा स्कोप ऑफ वाई। तो ये जो पर्टिकुलर एक्स वेरिएबल है ये लोकल है इस फंक्शन के लिए, ठीक है, और ये वाई भी लोकल है इसी फंक्शन के लिए। तो ये हो गया स्कोप एंड लोकेलिटी ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद अगर मान लीजिए सेम एक्स वेरिएबल डिक्लेयर गया है टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वही दो डिफरेंट प्लेसेस का मीनिंग क्या होगा? उसका दो अलग अलग मीनिंग होगा। तो मान लीजिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक वेरिएबल नेम आप दो जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं विद इन द फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है और यहाँ पे और एक फंक्शन है इंट एक्स इक्वल टू 100, कुछ लाइन्स है यहाँ पे एंड। तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे और ये दूसरा फंक्शन है, तो दोनों में एक्स वेरिएबल यूज हुए हैं, तो दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्स है इस फंक्शन में है और ये एक्स इस फंक्शन में है, तो ये टू डिफरेंट एक्स हैं। ठीक है, इसका मीनिंग भी आपने समझ लिया। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसका यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए है। उसके बाद मैंने और एक चीज बताई थी ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक क्या होते हैं कि एक वेरिएबल जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ है। तो इसका ब्लॉक ये होगा और ये होगा ब्लॉक वन और ये होगा ब्लॉक टू। मान लीजिए मेरा और एक ऐसे कुछ एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है इंट एक्स मैंने डिक्लेयर किया है, फिर और एक फंक्शन स्टार्ट है इंट एक्स इक्वल टू 100 मैंने डिक्लेयर किया है, कुछ स्टेटमेंट है ये एंड है ये एंड है। तो ये हो गया आपका इनर वाला ब्लॉक टू और आउटसाइड वाला हो गया ब्लॉक वन। तो ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस टू लास्ट कर्ली ब्रेसेस टोटल एक ब्लॉक है, उसके अंदर अगर बीच में कुछ सब फंक्शन लिए होंगे तो वो ब्लॉक टू होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स है इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है। तो स्टेटमेंट इन द सेकेंड ब्लॉक इस ब्लॉक में cannot refer to the variable x declared in the first block। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होंगे इसके अंदर वो ये वाले x को रिफर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये x ये दूसरे ब्लॉक में प्रेजेंट है, ब्लॉक वन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ब्लॉक का नेस्टेड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया। तो अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ कि ब्लॉक टू इज कंटेंट इनसाइड ब्लॉक वन। So, a declaration in an inner block hides a declaration of the same variable in an outer block. Therefore, each declaration of x causes it to refer to the different data object.
तो अगर x यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, फिर से ये डिक्लेयर हुआ, तो इसके डिक्लेरेशन के टाइम इसका डिक्लेरेशन हाइड हो जाएगा। इसीलिए हर बार जब जितने बार भी अगर आप सेम भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। तो सी में क्या होता है कि ग्लोबल वर्जन ऑफ अ वेरिएबल के नॉट बी एक्सेस्ड विद इन द इनर ब्लॉक। तो एक अगर आपने यहाँ पे ग्लोबली कुछ डिक्लेयर किया है सी प्रोग्रामिंग में, तो वो इनर ब्लॉक में डिक्लेयर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया बाय यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो दिस कैन बी यूज टू अनकवर अ हिडन एलिमेंट एंड दिस ऑपरेटर अलाउज एक्सेस टू ग्लोबल वर्जन ऑफ अ वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंट एक्स। उसके बाद हम लोग गए हैं यहाँ पे और एक फंक्शन है, उसके बाद हम लोग ने डिक्लेयर किया है इंट वाई, कुछ लाइंस हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट है दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। लेकिन हम लोग इसको पॉसिबल कर सकते हैं, यूज को पॉसिबल कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस बाई द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज होता है? दिस इज यूज टू स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज टू अनकवर ए हिडन वेरिएबल। एक हिडन वेरिएबल को अनकवर करने के लिए यूज होता है, एंड इट अलाउज एक्सेस टू द ग्लोबल वेरिएबल एंड अलाउ एक्सेस टू ग्लोबल वेरिएबल जो कि सी में नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है ये सिंबल उसके साथ वेरिएबल। तो मैं सिंटैक्स वहां पे लिखना भूल गई थी, तो इसका सिंटैक्स है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, यही है इसका सिंटैक्स। तो इसका एक प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।